दोस्तों आपको भी पता करना चाहिए कि आपके मोबाइल नंबर पर किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग चालू तो नहीं किया, जिससे कि आपके मोबाइल नंबर पर आने वाले कॉल किसी और नंबर पर जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपना जो मोबाइल है वो एक या दो मिनट के लिए लेता है और उसके बाद उस पर कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर लेता है, जिससे कि आपके नंबर पर आने वाले कॉल किसी और नंबर पर जा सकते हैं, जिससे कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बीजी बताता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग चालू किया है या नहीं, और यदि किया है तो आप इसको बंद कैसे कर सकते हैं, ये आप इस वीडियो के अंदर जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर डायल पैड के अंदर जाके आपको *#21# और इसके बाद आपको डायल करना है। तो यहाँ पे डायल करने से पहले आपको इस नंबर को डायल करना है, उसके बाद डायल करना है। और यदि आपके मोबाइल नंबर पर किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग चालू किया तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कॉल फॉरवर्डिंग, और उसके बाद जिस नंबर पर फॉरवर्ड किया है वो बताता है, और यदि यहाँ पे नहीं किया तो आपको इस प्रकार से मैसेज मिलता है। अब यदि आपके मोबाइल नंबर पर किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग चालू किया है और उसको बंद करना चाहते हैं तो डायल पैड के अंदर जाने के बाद सबसे पहले *#00#2 और इसके बाद H और इसके बाद आपको डायल करना है। और डायल करने के बाद यदि आपके मोबाइल नंबर पर किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग चालू किया तो वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर यहाँ पे आपके नंबर पर किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग चालू किया है तो इस प्रकार से यहाँ पे बंद भी हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने मोबाइल के अंदर कॉल फॉरवर्डिंग को यदि आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।